दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि जो अश्वगंधा है उसके बारे में हमें बताइए, तो चलिए कुछ अश्वगंधा के बारे में आज बातें करेंगे। और यहाँ पे जो अश्वगंधा है प्लांट वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको अगर आप सीड से ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसके सीड्स जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा ये अश्वगंधा का प्लांट है, तो इसका नाम अश्वगंधा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल है इसकी रूट्स के अंदर और इसकी जो पत्ती है उसके अंदर जो स्मेल है वो ऐसी आती है जो घोड़े के अंदर आती है। घोड़े को अश्व बोलते हैं इसलिए, और गंध मीन स्मेल, तो घोड़े के अंदर जो स्मेल आती है वैसी स्मेल इस प्लांट के अंदर आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा मेरे यहाँ पे खेतों के किनारों पे या जंगलों में, ऐसी जगह पे ये नॉर्मली मिल जाता है। और इसकी जो रूट्स है वो जल्दी से यहाँ से जाती नहीं है, यानी कि हर बार जब खेतों में सफाई की जाती है तो इनको काट दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी छोटी सी भी रूट्स रह जाती है तो ये दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। और दूसरा इसका एक कारण है दोबारा से ग्रो होने का, इसके सीड्स, इसकी जो सीड्स हैं वो यहाँ इधर उधर बिखर जाते हैं और दोबारा से जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। अगर आप विलेज में रहते हैं तो आप आपके आसपास भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस प्लांट का बेनिफिट बहुत है, बीमारियों को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता था पहले, और मोस्टली जो इसका पार्ट यूज होता है वो इसकी रूट्स है। इसकी रूट्स को निकाल लिया जाता है और इसकी रूट्स का जो चूर्ण बना लिया जाता है जो काफी बीमारियों में काम आता है। शरीर की जो कमजोरी है वो दूर करने के लिए इसका जो चूर्ण है वो काफी अच्छा होता है। मॉर्निंग में एक चम्मच इसके चूर्ण की सुबह दूध के साथ ले ली जाए तो शरीर की जितनी भी कमजोरी है कहते हैं वो दूर हो जाती है। और बाकी इससे इतने बेनिफिट है कि अगर हम सारे बेनिफिट इसके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसके बेनिफिट्स काफी है। मैं यहाँ का आपको बताता हूँ, यहाँ का पहले के टाइम पे आपने देखा होगा जो पिंपल्स टाइप में जो फुंसी सी जो होती थी उसके लिए क्या किया जाता था, पिंपल को फोड़ने के लिए इसके जो पत्ते हैं उसको तवे पे रखकर तेल के साथ जो सरसों का तेल है उसके साथ सेक लिया जाता था, और सेकने के बाद इसके जो पत्ते हैं वहां पे लगा दिए जाते थे, उससे क्या पिंपल है वो जल्दी ठीक हो जाता था। इसकी एक वैरायटी और है जिसके पत्ते थोड़े से आपको गोल नजर आएंगे, जैसे कि इसके पत्ते आपको थोड़े से आगे से इस तरह से दिख रहे हैं, और इसकी जो दूसरी वैरायटी है उसके पत्ते गोल नजर आएंगे आपको, इस तरह की फ्लोरिंग इसके अंदर आती है। और उसके बाद इसके जो फ्रूट है वो इस तरह से इसके अंदर इसके फ्रूट बन जाते हैं जो कि स्टार्टिंग में ग्रीन रहते हैं लेकिन बाद में वो रेड कलर के बन जाते हैं। ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ इसको अंदर से। इसके जो बेरीज है इसके अंदर पॉइजन होता है तो इसको खाने की गलती कभी भी ना करें। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का एक फ्रूट है इसके अंदर, इसको विंटर बेरीज के नाम से जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों ये इसका फ्रूट है जो कि धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा येलो होके ये फिर रेड कलर में ये बेरी जो चेंज हो जाएगी, और इसके अंदर जो सीड्स है इसके वो निकल जाएंगे और उसी से जो प्लांट है दोबारा ग्रो कर सकते हैं। इसकी रूट्स आपको पंसारी शॉप में मिल जाएगी, अगर आप उनको जाके बोलेंगे कि अश्वगंधा की रूट्स हमें चाहिए तो वो आपको दे देंगे, जिसका चूर्ण बनाकर काफी दवाओं में यूज किया जाता है। लेकिन आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह से इसको यूज मत कीजिएगा, पहले किसी डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और फिर ही इसको यूज कीजिएगा। गठिया का दर्द के लिए भी इसको यूज किया जाता है और घुटनों का जो दर्द होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो अक्सर हमारे आसपास के काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और वो काफी यूजफुल होते हैं। मैं हो सकता है अगले कुछ वीडियो में और आपको इस तरह के जो प्लांट है वो दिखा दूं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।